वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब भी अपने घर में ठीक होंगे। तो गाइस, बारिश का मौसम हो रखा है बहुत ज्यादा, और मौसम भी ऐसा है कि दिल करता है पकोड़े या कुछ पूड़ी बनाए, ऐसे बनाए। तो मैंने सोचा पूजा के पापा भी मुझे थे पूड़ी कचौड़ी या फिर जैसे पकोड़े हो गए, तो मैंने सोचा इन सब के कॉम्बिनेशन में ही एक चीज बनाती हूँ। मैं ऐसी पूड़ी बनाती हूँ जो इन सबसे को भी फेल करेगी, वो कचौड़ी का काम भी करेगी, पूड़ी का भी काम करेगी, सबका काम करेगी गाइस। तो बस अब वही जा रही हूँ अंदर बनाने के लिए। तो मैं बनाती हूँ आलू प्याज की पूड़ी, और साथ ही बनाती हूँ, देखती हूँ सीताफल बनाती हूँ या साथ आलू बनाती हूँ, पूजा के पापा से पूछते हैं। पर जो पूड़ी का कॉम्बिनेशन है गाइस, वो तो यही पूड़ी ऐसे है कि आप बच्चे को जैसे लंच बॉक्स में देना चाहते हो कि चटनी के साथ, सॉस के साथ, किसी भी उसके साथ ग्रीन चटनी हो गई, या फिर बच्चे वो टोमेटो सॉस खाते हैं उसके साथ भी इजिली खा सकते हो। ये ऐसे ही खाने वाली है, स्नैक्स में खा सकते हो शाम को भूख लगी हो तो, क्योंकि कचौड़ी का काम भी पूरा करेगी ये। तो बस चलती हूँ मैं, ज्यादा बातें ना करते हुए जाती हूँ किचन की ओर आपके साथ ये रेसिपी शेयर। यहाँ मैंने लिए हैं गाइस दो आलू, इनको मैं अच्छे से पील करती हूँ। और अगर आपके पास एक बड़ा आलू है तो उसमें चाहिए एक ही, बट मैं इसमें दो इसलिए डाल रही हूँ कि दो छोटे आलू हैं, तो मैं दोनों को अच्छे से पील करके इसको काट लेती हूँ। तो गाइस मैंने आलू अच्छे से धो लिया और तीन चार पानी से निकाल दिया है, क्योंकि इसमें कोई भी स्टार्च ना रहे, उससे क्या होगा जो पूड़ी है कुरकुरी नहीं रहेगी। तो ध्यान दें कि आलू को तीन या चार पानी से धोएं, बिल्कुल स्टार्च खत्म हो जाए इसमें। और बस अभी आलू एक साइड रखती हूँ और साथ में इसमें डालती हूँ दो प्याज। तो गाइस इसके लिए नहीं है मैंने दो छोटे आलू, दो मीडियम साइज के प्याज और एक छोटा अदरक का टुकड़ा, और ली है तीन से चार हरी मिर्ची, तो कि स्पाइसी बना रही हूँ मैं, तो ये सब लिया है। अब बस इसको करती हूँ मिक्सी में ब्लेंड। तो गाइस ये मैंने आलू प्याज हरी मिर्च अदरक का जो पेस्ट है सारा बना दिया है, तो इसमें हम डालेंगे अभी सूखे मसाले। तो सबसे पहले मैं डालूंगी इसमें गाइस नमक स्वाद अनुसार, और आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, और एक चम्मच के करीब किचन किंग पाउडर, और आधा छोटा चम्मच लाल, क्योंकि हरी मिर्च भी डाली हुई है गाइस, लाल मिर्च पाउडर, और थोड़ी सी ये डालूंगी कसूरी मेथी। और इसके साथ ही गाइस इसमें डालेंगे हम अजवाइन, अजवाइन जरूर डालना आप, अजवाइन और कसूरी मेथी का फ्लेवर जो इस कचौड़ी में आएगा बहुत ही अच्छा आएगा। और साथ ही हम इसमें डाल देंगे गाइस ये आधी कटोरी ली है मैंने सूजी, आपके पास कोई भी सूजी हो यूज कर सकते हो। तो मेरे पास ये फ्रिज में हलवे वाली मैं लेती हूँ सूजी, तो मेरे फ्रीजर में रखी होती है ऊपर, तो वो हमेशा वही काम आ जाती है। तो गाइस इन सबको करेंगे अच्छे से मिक्स। तो गाइस इसमें मैं भूल गई थी, इसमें डालेंगे चिली फ्लेक्स, तो बस इसको अच्छे से करेंगे मिक्स। स्पाइसी बहुत है क्योंकि इसमें मैंने चार हरी मिर्च डाल रखी है ऑलरेडी, तो बस अब इसमें ये अच्छे से सूजी ने, सूजी इसमें सारा मसाले मिक्स हो चुके हैं गाइस देखिए। अब इसमें साथ डालूंगी मैं आटा, बस ये बनेगी आटे और सूजी की। तो यहाँ मैंने ली है आटा लिया है, जो रोटी वाला आटा होता है, गेहूं का आटा, नॉर्मल आटा लिया है। तो यहाँ डालूंगी एक कटोरी, और इसी में डालूंगी डेढ़ कटोरी डाल के देखती हूँ, क्योंकि इसी में ही मेरे ख्याल से सारा कुछ अच्छे से मिक्स हो जाएगा। अगर लगेगा तो थोड़ा सा पानी मैं इसमें ऐड कर लूंगी पहले, मैं देखती हूँ। और अगर और आटा लगा तो और आटा मैंने छान के रखा हुआ है साथ साथ, वो भी मैं देख लूंगी। तो गाइस आटा नीड अच्छे से हो चुका है, अब मैं इसको रखती हूँ रेस्ट के लिए 10 से 15 मिनट के लिए गाइस। तो देखिए सॉफ्ट है, ज्यादा टाइट नहीं है क्योंकि सूजी है इसके अंदर, सूजी इसको अभी थोड़ा सा और टाइट करेगी। और यहाँ रख रही हूँ मैं कुकर सब्जी बनाने के लिए, मैं इसमें बना रही हूँ टमाटर वाली सब्जी, क्योंकि क्या है हमारे घर में ना अभी दोपहर का लंच है, लंच में खाली सॉस से नहीं खा सकते हैं, तो एक कचौड़ी टाइप, तो मैंने कहा थोड़ी सी एक सब्जी बना देती हूँ आलू की। तो मैंने आलू बॉयल नहीं करे, इसी में ही गाइस मैं आलू काट के डाल दूंगी टमाटर के साथ, तो बाद में दो सीटियां फालतू आएगी वो तो लगाऊंगी, उससे क्या होगा अच्छे से करछी से मैश कर लूंगी, तो वही सेम आलू वही वाले बन जाए। तो गाइस आलू अच्छे से भुन रहे हैं ये देखिए, मैंने सोचा कि ना सूखे बनाती हूँ, काकू कह रहा है मम्मी थोड़ी सी ग्रेवी रखो तो ग्रेवी वाले बनाऊंगी, तो गाइस ग्रेवी बना दी है, बस इसको सीटी लगाती हूँ, पांच सीटी लगाऊंगी ताकि अच्छे से। यहाँ मैंने गूंदा है दो रोटी की, दो पूड़ी का आटा गोपू जी के लिए, ये गोपू जी की सबसे पहले ऑयल भी रख दिया है, पहले मैं गोपू जी की बनाऊंगी उसके बाद बनाऊंगी ये वाली पूड़ी, क्योंकि इसमें है प्याज तो इसको बाद में, पहले ये वाली पूड़ी गाइस। और ये भी आटा अच्छे से नीड हो चुका है, बस अब इसकी बनाती हूँ पूड़ियाँ। और यहाँ आलू की सब्जी बन गई है, इसको भी खोलती हूँ गाइस कुकर को। गाइस मेरे पास आलू उबले हुए नहीं थे, तो मैंने क्या करा अच्छे से उबले हुए आलू से ना, मैं आपको बताऊँ अगर आप कच्चे आलू से बनाते हो अच्छे से उसको टमाटर के साथ भून लो, टमाटर हरी मिर्चे
साबुत लाल मिर्च में, और उसके बाद उसमें पानी डाल दो तो सेम वही सब्जी तैयार होती है, और बल्कि उससे ज्यादा गाइस टेस्टी लगती है। तो मैंने भी आज यही किया है, कुकर में बस टमाटर डाल के, हरी मिर्च डाल के और लाल मिर्च का तड़का लगा के फटाफट बनाई सब्जी। और एक हाँ, आलू की किसी भी चीज के अंदर, कोई आप आलू की पूड़ी बना रहे हो, कोई आलू की वो क्या कहते हैं आलू की पूड़ी है या समोसा है या आलू के परांठे हैं, उसमें जो कसूरी मेथी का फ्लेवर है ना, इसके साथ कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा आता है। और एक अजवाइन इसके साथ, क्योंकि आलू थोड़े वैसे होते हैं भारी होते हैं, तो जैसे डाइजेस्ट करने के लिए अजवाइन जरूर डालें। और जो हींग यूज करते हैं वो भी करें, मैं हींग यूज नहीं करती तो गाइस मुझे हींग का फ्लेवर उतना पसंद नहीं आता, तो मैं उसकी जगह अजवाइन डाल देती हूँ। और मैंने उसमें कुछ भी नहीं डाला, अदरक डाली है पूरी के आटे में, आलू में नहीं डाली मैंने। आलू तो आलू सिंपल है, क्योंकि गोपू जी को भी भोग लगाना था तो उसमें मैंने प्याज का यूज नहीं किया, आटा भी उनका अलग से गूंद दिया और अपने लिए गूंदा अलग। तो गाइस ये छोटी पूड़ी बनाई है मैंने गोपू जी के लिए, बस गोपू जी को भोग काकू लगाता है, उसके बाद मैं बनाती हूँ ये वाली पूड़ी। गाइस मैं दूसरे आटे की पूड़ी बस शुरू कर दिया है, तो देखिए ये थोड़ी बना रही हूँ, थोड़ी सी मोटी, क्योंकि ये थोड़ी मोटी बनेगी। तो बस ये डाला इसको कढ़ाई में, और कचौड़ी साइज की, मैं ज्यादा बड़ी बड़ी नहीं बना रही इसको, कचौड़ी साइज की ही बना रही हूँ, कि उससे थोड़ी बड़ी है। तो गाइस देखिए, देखिए कितने अच्छे से फूल गई है और क्रिस्प भी है, देखिए दूसरी साइड से पलटती हूँ, ये देखिए गाइस क्रिस्प कितनी अच्छी हो गई है। तो बस ऐसे ही बनाती हूँ सारी पूड़ियाँ, और काकू को मैं देती हूँ, काकू को तो अभी काकू ने लगाया गोपू जी के भोग, अब ये पहले खिलाऊंगी, भोग लगेगा जो हमारे घर में जो बनता है गुरु जी को, गुरु जी प्याज वाला भोग लग जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती, बस गोपू को हम बनाते हैं बिना प्याज के। तो गाइस मैंने पूड़ी बना ली है, आप देखिए काकू को तो बहुत टेस्टी लगी है गाइस, और ये देखिए आलू की तरी वाली सब्जी, और यहाँ आम का अचार और ये मिर्च। तो गाइस इसका कॉम्बिनेशन आम के अचार के साथ तो बहुत अच्छा लगता है, और हरी मिर्च के साथ, और जो पूड़ी बनी है ना बिल्कुल क्रिस्पी बनी है। काकू कैसे पता है कैसी बनी, जैसे पूड़ी दो मिनट रख दो तो थोड़ी नरम हो जाती है, पन्नी हो रही। हाँ ये देखिए गाइस, ये देखिए बिल्कुल नरम नहीं हो रही, देखिए ये देखिए, ये देखिए जब इसको तोड़ते हैं ना तब नरम होगी, तो मैं इसको तोड़ के भी दिखाती हूँ, ये देखिए गाइस, देखिए अभी भी देखो ना तोड़ने के बाद भी क्रिस्प है। तो पूरी बहुत अच्छी बनी है, आप मेरे कहने पे एक बार ये रेसिपी जरूर ट्राई करना, बच्चों के टिफिन बॉक्स के लिए तो बहुत बेस्ट रेसिपी है, केचप के साथ, अचार के साथ, और बड़े बंदे तो जैसे मर्जी खा सकते हैं, उनका जो दिल करा हमें था कि हमने आलू का खा लिया तो हमने आलू के साथ बना लिए। आई होप ये आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी, रेसिपी पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलती हूँ आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।